बात तो वो कर दी गई है। राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड, हर व्यक्ति दुखी है और सरकारें चाहते कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जो आप स्टेप उठा रहे हो, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने जो इंटरेस्ट लिया है और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी आपके साथ काम किए उन्होंने इंटरेस्ट लिया, आप सबने इंटरेस्ट लिया है, चेयरमैन साहब बैठे, उसके कारण ये काम आगे बढ़ा है। खुद का कमिटमेंट अगर हो इन बातों से, वो व्यक्ति अपने विभाग को कहाँ कहाँ ले आ सकता है, जिसका उदाहरण आज राजस्व विभाग दिख रहा है। बधाई आपको, क्योंकि ये काम कोई करना मामूली नहीं है। और सरकार भी जो है, जैसे झुंझुनू का है पायलट प्रोजेक्ट, अब आप उसको जयपुर में लागू कर रहे हो, कृषि ऋण रहन पोर्टल, अब आप समझ सकते हो कि इसका क्या लाभ मिलेगा, और शीघ्र ही पूरे राजस्थान में लागू होगा ये। तो ऑनलाइन भूमि के ऋण के लिए अगर सुविधा मिल जाए आदमी को, तो क्या चाहिए आदमी को, कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितने चक्कर लगाना पड़ता है। राजस्व कानून का सरलीकरण, कार्यकारी अधिनियम, राजस्व भू राजस्व अधिनियम, उपनिवेश अधिनियम, और सीएस की अध्यक्षता में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव की अध्यक्षता में कमेटी जो बनाई गई है, और आपने कहा 31 मार्च तक सभी कानूनों पर शराब दे देगी आप, तो ये बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा ये, कि अगर सरलीकरण हो जाता है तो फिर आपको क्या चाहिए। और विभाग ने भी 4421 पटवारियों के लिए, 106 नायब तहसीलदार के लिए, 24 तहसील राजस्व लेखाकार के पदों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं चाहूंगा कि ये टाइम पे पूरी हो, जैसे पटवारियों को वह तकलीफ है, एक पटवारी के पास में एक ग्राम पंचायत, दो ग्राम पंचायत, तीन ग्राम पंचायत होते हैं, वो कहाँ कहाँ जाए, फिर उसको लोग शिकायत करते हैं पटवारी के, वो अलग परेशान होता है, मतलब फिजिकली भी संभव नहीं है कि आप तीन पंचायतों को संभालो, ये स्थिति है मेरे ख्याल से जी। तो ये स्थिति खत्म होनी चाहिए, हर जगह पटवारी जम के काम करे, कॉन्फिडेंस से काम करे, और गांव वालों के साथ रिश्ते जो बन जाते हैं उसके वो कायम रहे, कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पटवारी की शिकायत होने लग जाती है, कई बार लोग मजबूरी समझ भी नहीं पाते हैं, और कई बार हो सकता है कोई पटवारी भी उनका व्यवहार भी ठीक नहीं हो, ये भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि पटवारी की पोस्ट अपने आप में बहुत महत्व रखती है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो ये पटवारी की भर्ती निकल रही है, और भी आवश्यकता होगी आगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रायोरिटी देंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि ये परफेक्ट काम हो, जिससे कि लाखों करोड़ लोगों का भला हो, ये विभाग वो है जिसका ताल्लुक लाखों करोड़ लोगों से। जनरलाइज कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहे हैं आप लोग, दावों का पंजीकरण, अपडेशन, कोर्ट लिस्ट, दावे की स्थिति, सुनाई तिथि, निर्णय की प्रति, ये आप जो कर रहे हो ये हाईकोर्ट में होता है, हाईकोर्ट की तर्ज पर आपका ये काम करना, जिसे कि तमाम बातें उसको ऑनलाइन मिल जाए, कोर्ट लिस्ट कब केस लग रहा है, सुनाई कब है, निर्णय की प्रति मिल जाए उसको सेम डे, तो आगे वो आ सकता है। तो मेरा मतलब कि ये बहुत बड़ा काम ये भी आप करने जा रहे हैं। दूसरा जो आपको मालूम है कि जो स्थिति है देश के अंदर कोविड के बाद में, हम लोग बहुत हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और कोविड ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। मैं आप सबको अपील करना चाहूंगा जो यहाँ बैठे वो, और क्योंकि ओपन मेरे ख्याल से ये विषय जो हो रही है वो ओपन है प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, सब सुन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो प्रदेश की जनता सुन रही होगी। मैं सबको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि कृपा करके कोरोना को गंभीरता से लें, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस रखना अनिवार्य है, हाथ धोना बार बार प्रोटोकॉल में है, लापरवाही जो कर रहा है वो भुगत रहा है। आप सबको नहीं मालूम है क्योंकि मृत्यु दर राजस्थान 1% है, हमने इतने अच्छा इंतजाम किया 6 महीने से,
टेस्टिंग हमारे यहाँ पहले होती नहीं थी, पुणे भेजते थे सैंपल। आज 60,000 से ज्यादा पर डे टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। अस्पताल में बेड बढ़ा दिए हैं, आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती इसके अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन ला रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो प्लांट लग रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया राजस्थान में, तब भी संख्या बढ़ी है। और लोग कहते हैं नवंबर में बढ़ सकती है, और संख्या कई गुना बढ़ सकती है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सर्दी के साथ साथ में और मौसमी बीमारियों के साथ साथ में और त्योहारों के साथ में। त्योहार के साथ में लोग ये आपके सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। अभी मैं देख रहा था आपके यहाँ, एक दो मैंने इंटरेक्शन किए वहां, तो काफी लोग बैठे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, उसी से फैल रहा है। और फैलने के बाद में इतनी खतरनाक बीमारी है कि कई लोग, क्योंकि मृत्यु दर कम है, क्योंकि बहुत शानदार हमने इलाज का इंतजाम किया है, 1% है रिकवरी, जल्दी ठीक होने की रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उसी ढंग के लोग लापरवाह हो रहे हैं, ठीक होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं पता कि जो फर्क पड़ता है जिसके लग जाता है। मेरे CMR और CMO के अंदर 40 लोग ज्यादा लोग आ चुके हैं, दौड़ना उसमें आ चुके 15-20 लोग, जबकि इतनी वहां की सुरक्षा है वहां पर, तब भी कौन कब किससे मिलके आता है बाहर पता नहीं लगता है। और बीमारी इतनी खतरनाक है कि ठीक होने के बाद में भी कई लोगों को लकवा हो रहा है, क्योंकि दिमाग खराब हो रहा है, ब्रेन चला जाता है ब्रेन में, क्योंकि किडनी इफेक्ट हो रही है, लंग तोते होता है, ठीक होने में टाइम लग जाता है। और कई लोगों के थोड़े दिन बाद में और बीमारी पैदा हो जाती है, क्योंकि हम तो रोज मीटिंग करते हैं, तो जो टीवी में आते हैं NDTV वगैरह में प्रोग्राम आता है रात को 1 घंटे का, सारे डॉक्टर बोलते हैं, रोज मेरे घर आता होगा, वो जो बातें बोल रहे डॉक्टर, मैंने परसों प्रोग्राम देख लिया, वही बातें जो हमारे डॉक्टर कहते हैं, उसी ढंग का माहौल है देश के अंदर और दुनिया के अंदर। इस प्रकार कोरोना अपना मिजाज बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, और कोई डॉक्टर को पता नहीं कि इलाज क्या होता है। जो इलाज कॉमन जानकारी प्राप्त की गई, जो अंदाज के इलाज है, सभी है अंदाज के इलाज है, परफेक्ट। ना कोई वैक्सीन आया है, ना कोई दवाई आई है, दुनिया में किसी डॉक्टर को नहीं मालूम है ये परफेक्ट दवाई कोरोना के लिए है, ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये वैक्सीन अभी तक आया नहीं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कंपनी है, रिसर्च कर रही है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जीवन ये तो हमारे लिए फिर क्या है, फिर ये सब काम IT ये वो कानून किस काम आएंगे, पहले जीवन है और आजीविका है। इसलिए लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन किया गया। कृपा करके आप अपना खुद का, अपने परिवार का, और जितना संभव हो, हमने जन आंदोलन शुरू किया है, पहले जागरूकता अभियान चलाया था कि इलाज के रूप में सरकार परफेक्ट है, परंतु अगर जनता ने साथ नहीं दिया हमारा, और ये इतिहास गवाह है, जब जब भी कोई महामारी आई है, चाहे 100 साल पहले आई हो, जनता के सहयोग से ही इसका इससे निपट सके हैं, जंग जीत सके हैं। अभी जनता साथ देगी तो जाके ग्राफ नीचे आएगा। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, देवी शेट्टी डॉक्टर है बेंगलोर से, उनको बुलाया, डॉक्टर त्रियान है, नरेश त्रियान वेदांता सिटी के मालिक, उनको बुलाया, और डॉक्टर सरीन है लीवर एक्सपर्ट, सबने कहा VC के अंदर कि अगर 1 महीना तक सब लोग राजस्थान में लगा ले मास्क, तो राजस्थान में कोरोना का ग्राफ नीचे आ सकता है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और हमने इसलिए जागरूकता अभियान चलाया, अब हमने जन आंदोलन का नाम दिया है कि तमाम संस्थाएं, तमाम व्यक्तिगत लोग, व्यक्ति से मास्क बांटे, खुद समझाए लोगों को, सरकार 1 करोड़ मास्क बांटे, मैंने कहा है, नगर पालिका, नगर निगम सब बांटे, वो बांटे लग भी गए हैं, हमारे मंत्री लोगों को भेजा मैंने एक साथ में, 15-20 मंत्री जयपुर में गलियों अलग अलग इलाकों में एक साथ में गए, जिस दिन 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर ही था मेरे ख्याल से,
उस दिन शुरू किया इस अभियान को। तो ये तमाम काम हम लोग कर रहे हैं, पर बिना सहयोग से संभव नहीं। और आप जहाँ बैठे आज परिवार बैठा हमारा रेवेन्यू का, वो दमखम रखता है, सक्षम है, समझदार है, और उसका काम पड़ता है, जनता नहीं पड़ता है। तो आप बड़ी भूमिका से अदा कर सकते हो। जो लोग सुन रहे हैं स्वस्थ वाले, मैं चाहूंगा कि इसने हमारी इकोनॉमी को ही बर्बाद करके रख दिया है। जब लॉकडाउन रहा तो पूरे देश की इकोनॉमी, भारत सरकार की भी, हमारी अपनी भी, रेवेन्यू 40% आ गई है। इन हालातों में हम चल रहे हैं तो हमें पानी भी पहुंचाने, बिजली का व्यवस्था पूरी करनी है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सब में इन्वेस्टमेंट करना, और पैसा कहाँ रहे, वो आई नहीं रही कहीं पर। इस हालात में जी रहे हैं, इसलिए ये जो मैं बात आपको मैंने इसलिए भी कही है कि जो आपने जो कदम उठाए हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है राजस्थान के अंदर, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, वो तब आएगा जब राजस्थान में माहौल अच्छा हो, जो माहौल अच्छा है यहाँ पर, और श्रमिकों की शांति यहाँ पर राजस्थान में है। बाकी व्यवस्था सरकार करेगी पानी की, बिजली की, पर जमीन का जो मामला है, जो आपने फैसले किए हैं कि किस प्रकार से असुविधा नहीं है लोगों को, जो सोलर आजकल तो क्रांति हो गई है, सूर्य भगवान की कृपा से बिजली बनती है, और एक टाइम आएगा जिसमें आप देखेंगे कि थर्मल की जरूरत नहीं रहेगी, सोलर ऊर्जा से काम चलेगा देश का, दुनिया का। तो राजस्थान तो सबसे सिरमौर है देश के अंदर, जहाँ सबसे ज्यादा सूर्य किरणों की तीव्रता है, ग्रेविटी है, इसलिए ज्यादा बिजली बनती है यहाँ पर। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है सोलर की, विंड की, विंड हमने शुरू किया 2 मेगावाट की, और करीब 4000 मेगावाट बिजली सोलर की और विंड की बनने लगे राजस्थान के अंदर। तो कोई कमी सरकार नहीं रख रही है उसमें। आप जो जमीन देने का आपका जो प्रोसेस है उसको आप बहुत इजी बना रहे हो, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, वो कंपनी के आने का मन करेगा, वो देखते हैं वहां जाएंगे, झगड़े होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर कंपनी और राज्यों में चली जाती है। आज जरूरत राजस्थान को भी है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए जिससे कि इकोनॉमी सुधरे, सरकार के राजस्व बढ़े और लोगों को नौकरी मिले। बहुत अच्छा किया आपने सबका ध्यान रखा। आप तो शमशान तक चले गए, कब्रिस्तान, शमशान, राजगीर बाग में सक्षम संस्थान, सबको आप जो ये किया आप लोगों ने, सोलर पार्क की स्थापना, इन सब में आपने जो कदम उठाए हैं जिससे कि बड़े रूप में जमीनों का अलॉटमेंट ढंग से हो सके। इसी ढंग से फूड प्रोसेसिंग का हमने किया है, बिना भू कन्वर्सन के उनको छूट दी गई है। वो भी तब होगा तब आपके विभाग उनको बाकी फॉर्मेलिटी जो है वो देगा तहसीलदार के माध्यम से, तब जाके उसको बैंक से लोन मिल पाएगा। तो वो काम भी आपने, उसको भी सर आपने रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है, तो वो भी भू राजस्व भूमि रूपांतरण की सर, जो वो रहन करेगी तो वो भी रजिस्ट्रेशन सर मुक्त कर दिया सर। हाँ ठीक है ना, भूमि राजस्व, भूमि को जो रहन करेंगे उसका भी उसपे स्टैंप ड्यूटी लगेगी। और ये भी हो गया कि तहसीलदार जो है 30 दिन में कृषि को कृषि भूमि में जो परिवर्तन करेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो सर्टिफिकेट देगा तो उसको बैंक वाले पहले मना कर देते हैं, वो काम भी हो जाएगा। तो ये जो काम आप लोगों ने धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्टों को सब कवर किया आप लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि शिलिंग को भी आपने पॉलिसी बदली जिससे कि, और एक्ट भी बन गया असेंबली के अंदर, तो ये विंड वाले हैं, सोलर वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, मैं समझता हूँ कि देश और देश के बाहर से लोग भी आए राजस्थान में। ये तमाम काम जो आपने खेल का स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसको भी बिना शुल्क आपने भूमि देने का तय किया। इस प्रकार से ये जो ई मित्र पोर्टल शुरू हुआ है, इस प्रकार तमाम प्रक्रिया आईटी बेस्ड जो आपने की है, मैं समझता हूँ कि तमाम क्रांतिकारी काम है। आने वाले वक्त में सेटलमेंट का जो काम है थोड़ा बहुत रह गया है, काफी कुछ किया आपने,
आप पूरी तरह, आपकी जिम्मेवारी है इस काम को अंजाम दे ढंग से, जिससे कि पूरा हम लोग परफेक्शन मार सके। रेवेन्यू के जो अमेंडमेंट किए हैं, जो आईटी बेस्ड काम हो रहा है, बहुत बड़ी भूमिका सेटलमेंट कमिश्नर की है। तो सोच समझ के आपको जिम्मेवारी दी गई। अभी आप ताजा आए हो दिल्ली से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मन लगाए काम करोगे। यूएसए से आए हैं, तो अमेरिका से आए हो, तो अमेरिका में तो आप देख लो विकसित राष्ट्र है, दुनिया का अपने आप को सुपर पावर कहलाती थी। 2 लाख लोग मर गए वहां पर, 2 लाख मर गए लोग, बताइए आप। उस वक्त हम चिंता कर रहे थे कि हो क्या रहा है दुनिया में, अगर अमेरिका जैसे मुल्क में लाखों लोग मर रहे हैं और हमारे 130 करोड़ की आबादी है, वहां वो तो आबादी हमसे आधी भी नहीं है वहां पे तो। पर फिर भी हमें चिंता है कि देश के अंदर भी उसके बाद में जो बढ़ने लगे हैं, तो 1 लाख लोग इस देश में मर गए, 1,09,000 से ज्यादा हमारे मुल्क में लोग मारे जा चुके कोरोना से, 1,09,000 से ज्यादा आंकड़े आप देखते होंगे। तो कृपा करके हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूँ आप सबको कि आप कृपा करके इस अभियान में थोड़ा भाग लें। इतना काम तो वो करना ही है, पर सोशल वर्क के रूप में मानवता के लिए जिम्मेवार निभाने के लिए हम सबकी ड्यूटी है, जितना संभव हो समझाना हो, टेलीफोन से मिलके बात करके 144 लगा रखी हमने 11 जिले के अंदर मुख्यालय में शहरों में, बेड़ी कटी नहीं हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे आज एक अवसर मिल गया कि रेवेन्यू परिवार बैठा हुआ है, जिसको अगर मैं बोलावन दूंगा, आह्वान करूंगा, तो जरूर हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं पुनः आपके मंत्री जी को, तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि राजस्व दिवस जो आज तक 70 साल में पहली बार, और मेजर पूरे मुल्क में मेरे पता नहीं कोई राज्य मनाते नहीं मनाते मुझे नहीं मालूम है, पर राजस्थान ने जो शुरुआत करी है, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपके कर्तव्य की, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपकी जिम्मेदारियों की, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपके खुद के जीवन को, जो आपने ऑप्ट किया है रेवेन्यू आने का, उसमें आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करके गए हो लाइफ के अंदर, वो आपके लिए पूंजी रहेगी लाइफ लॉन्ग। इस रूप में ये दिवस आप मनाओ, मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्व विभाग की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग इस राजस्व कार्य के साथ साथ जो कोरोना में जो स्थितियां बनी हुई है उसमें भी मिशन मोड से आज से ही लगेंगे, जिससे राजस्थान के बेरोजगार लोगों को अवसर मिले और राजस्थान आगे बढ़े आपके सपनों के अनुसार। उसमें राजस्व विभाग मिशन मोड में लगकर और कार्य करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी आशानुरूप जो है हम सभी अधिकारी मिलकर के आमजन को सुविधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वरन जी को आभार व्यक्त करने। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय, राजस्व राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव जी, तमाम मेरे राजस्व परिवार के साथियों, सबसे पहले मैं पूरे देश में, मैं प्रदेश का ही नहीं कहूंगा, पूरे देश में जहां तक मेरी जानकारी है कि राजस्व दिवस का शुभारंभ पहली बार आज हुआ है, उसके लिए आप सब और मुख्यमंत्री जी महोदय के निर्देश अनुसार ये हुआ है, आप सब बधाई के पात्र है, प्रदेश की जनता सब बधाई के पात्र है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे लिए, हमारे कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए, बार बार हमारे कर्तव्यों की ओर हमें समर्पित करने के लिए एक मौके के रूप में ये काम आएगा, और हर वर्ष हम इसको जब मनाएंगे उस समय में लेखा जोखा लेते हुए हम आगे से आगे और सहूलियत बनाने के हिसाब से हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी महोदय ने अपने संबोधन में एक बात कही थी, कृषकों की, काश्तकारों की समस्याओं को पटवारी से ज्यादा कौन समझता है। आज ये भाषा मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से निकला है। एक जमाना था, हम सबको याद है, कि पटवारी से ज्यादा दुख देने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं था, सारे कृषक उससे पीड़ित थे। अब उससे अब धीरे धीरे आगे बढ़ते